नाज़रीन को सलाम व आदाब। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। जामिया फ़ातिमत ज़हरा इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट में दाखिले के लिए इंट्रेंस टेस्ट का इनेकाद यहाँ इमाम खुमैनी टावर में हुआ, जहाँ 30 सीटों के लिए 80 तालिबात ने हिस्सा लिया। इस सिलसिले में तफसील बताते हुए जामिया के प्रिंसिपल शेख हमीद नासिरी ने यूँ फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पे जामिया फ़ातिमत ज़हरा IKMT का जो है सालाना जो नई बच्चियों के लिए एडमिशन दिया जाता है, उनका यहाँ पे टेस्ट चल रहा है, रिटन टेस्ट। और इस साल यहाँ पे हम दो किस्म के कोर्स के लिए बच्चियों को दाखिला दे रहे हैं। एक वो है जो सिर्फ़ एक साल का दौरा होगा, जिसके लिए वो बच्चियाँ जिन्होंने TDC के लिए क्लियर किया हो या उससे आगे उन्होंने जो है BA तक कोई अगर क्लास क्वालिफिकेशन किया हो, उनको यहाँ अगर इस रिटन टेस्ट में और उसके बाद जो इनका वाइवा होगा उनमें अगर जब ये लोग पास हो जाएंगे तो एक साल के लिए हम यहाँ पे उनको हॉस्टल फैसिलिटी के साथ हम पढ़ाएंगे, जिसमें इंशाल्लाह पर्शियन होगी और क़ुरान और अकायद अहकाम के कुछ सिलेबस हैं वहाँ अलमुस्तफ़ा की तरफ से, उसको हम यहाँ पढ़ाने के बाद फिर जो है एक साल के बाद उनसे फिर टेस्ट लिया जाएगा। और जब उस टेस्ट में ये लोग जब सही उतर जाएंगे तो इनको एक साल के बाद ईरान भेजा जाएगा। उनके लिए हमने ये कंडीशन रखा है, एक तो उनके पास जो है TDC पास का उनके पास मार्क्स कार्ड हो, और ये शर्त है उनके पास या अभी पासपोर्ट हो या जल्दी वो पासपोर्ट बनाएं ताकि एक साल तक उसके लिए ईरान जाने की तैयारी हो जाए। और दूसरा जो हम हर साल यहाँ पे नए बच्चों के लिए दाखिला देते हैं वो 5 साल का कोर्स है। यहाँ पे वो जामिया ज़हरा में हॉस्टल में हॉस्टल इम्कान के साथ वो यहाँ पे 5 साल पढ़ेंगे, और अगर इस 5 साल के दौरान में अगर वहाँ से हमें कोई जो है सीट मिल जाए, वहाँ से कोई कोठा मिल जाए, तो हम उनको भी जो है 3 साल या 4 साल के बाद उनको भी ईरान भेज सकते हैं, वो भी जा सकते हैं। नहीं तो यहाँ 5 साल जो है मुकम्मल जो है करने के बाद एक अच्छा खासा जो है दीन का जो है मुबल्लिगा बन के कौम की खदमत के लिए वो जो है हम आमदा कर सकते हैं। लिजा ये बहुत ही इस साल अच्छा वो है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुल हमने 30 ही सीट हमारे पास अभी है, चूँकि हमारे पास अगर अभी जगह की कमी है। अभी जामिया ज़हरा का जो है नई इमारत है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लिजा इस साल हमने 30 ही सीट रखा है दोनों के लिए। और अभी तकरीबन 80 बच्चियों ने फार्म भर के अभी इम्तिहान में वो जो है हिस्सा ले रहे हैं, और हमें थोड़ा दुख है इसलिए कि हम ज़्यादा इस साल जो है नहीं ले पाए। मैं सोचा था कोई 40-45 तक ले सकूं, लेकिन चूंकि जगह नहीं है इसलिए हम अभी 30 तक ले रहे हैं। इंशाल्लाह जो इस इम्तिहान में अच्छे नंबर लेके पास हो जाएंगे उनमें से 30 बच्चियों को हम जो है इन दोनों कोर्स के लिए यहाँ पर इंशाल्लाह कबूल करेंगे। और एक अच्छी खबर हम हमारे बच्चों के लिए, यानी हम जामे इमाम खुमैनी के तलाब के लिए, हम जामे फ़ातिमत ज़हरा के तालिबात के लिए, अच्छी खबर यह है कि हमने इस साल जो है जामे उर्दू बोर्ड अलीगढ़ का यहाँ पे इम्तिहान एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी लाया है। MES के थ्रू, मुतहरी एजुकेशनल सोसाइटी के थ्रू ये इम्तिहान जो है खत्ते लद्दाख में कोई भी अगर इस लाइन से जामे उर्दू बोर्ड के सिलेबस का एग्ज़ाम दे सकते हैं तो वो भी है। अब जामिया फ़ातिमा ज़हरा में जो बच्चियाँ मेट्रिक पास करके आते हैं उनको हम जो है उर्दू बोर्ड के थ्रू अदीब माहिर कामिल का एग्ज़ाम दे के वो ये डिग्री भी बिल्कुल PUC TDC और ग्रेजुएट की तरह है, इस लाइन से भी इस इम्तिहान को दे के भी वो ईरान आराम से जा सकता है। इसलिए कि ईरान जाने के लिए एक तो TDC पास होना ज़रूरी है और उससे आगे हो तो बेहतर है, लेकिन TDC बिल्कुल लाजिम है। जो जिसके पास TDC सर्टिफिकेट नहीं होगा वो नहीं जा सकते। अब अगर कोई आके जामिया उर्दू बोर्ड से कामिल का इम्तिहान देगा, कम्प्लीट वो जो है BA है, वो माहिर का जब 2 साल का एग्ज़ाम दे देंगे वो बिल्कुल TDC है, आसानी से उस लेन से भी वो ईरान जा सकते हैं।
और तीसरा ऑप्शन भी हमारे पास यह है अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोनों इदारे जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी ये एफिलेट है। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ के हमारे काशनासी को वहाँ ग्रेजुएट मानते हैं, यानी हम जो यहाँ पे काशनासी करके जाएंगे तो वहाँ पे एंट्रेंस दे के वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी पीजी कर सकते हैं। ये सब अल्हम्दुलिल्लाह इम्कान हैं, और मेरी जो है गुजारिश है खुसूसन जवान लड़कों से लड़कियों से इस फैसिलिटीज़ से जो है बेहतरीन तरीक़े से इस्तेफादा करें, ताकि जो है आपको हम दीन की आगाही मिले, हम जो है दुनियावी आपको ज़िंदगी के लिए कोई मदरक कोई डिग्री भी लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह सबको खुदा तौफीक दे के इससे इस्तेफादा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मकामी कौमी और बैनुल अक्वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।